हेलो स्टॉक्स वालों, तो अगर आप वैसे स्टॉक्स को खरीदने की सोच रहे हैं जो अगले 6 महीनों में देंगे बढ़िया डिविडेंड, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स टू बाय इन 2019 के बारे में, जो मार्च 2020 तक देने वाले हैं सुपर डिविडेंड। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, और ये है पार्ट वन। तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग इन स्टॉक्स की डिविडेंड हिस्ट्री को, जानेंगे इनके डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी को एक फाइनेंशियल ईयर में, और साथ ही में समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 में इन स्टॉक्स ने कितना डिविडेंड दे दिया है, और मार्च 2020 तक हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है इन स्टॉक्स से। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये है टॉप 10 बेस्ट डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स टू बाय इन 2019, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। इस लिस्ट के नंबर 10 पे आती है कोल इंडिया लिमिटेड, जो आती है सेक्टर एनर्जी में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 1,23,285 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 289.20 रुपए, और जो लो है वो 170.70 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो आप देख लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की डिविडेंड हिस्ट्री। तो फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 में इसने जो डिविडेंड दिया वो है 27.40 रुपए का, वहीं पे 2016-2017 में इसने जो डिविडेंड दिया वो 19.90 रुपए का, और 2017-2018 में इसने जो डिविडेंड दिया वो 16.50 रुपए का, और 2018-2019 में इसने जो डिविडेंड दिया वो है 13.10 रुपए का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो डिविडेंड है वो साल दर साल गिरता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी कंसिस्टेंट है डिविडेंड देने में। तो आप देख लेते हैं इसकी डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी एक फाइनेंशियल ईयर में, ये लगभग 2 बार के आसपास देती है डिविडेंड, और वो होता है दिसंबर के महीने में, और इसके अलावा देती है फेब या फिर मार्च के महीने में। तो आप देख लेते हैं कि डिविडेंड कितना आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। तो अभी तक कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, और इसके पिछले डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्च 2020 तक कोल इंडिया लिमिटेड को 10 से 12 रुपए का डिविडेंड आपको दे देना चाहिए। इस लिस्ट के नंबर 9 पे आती है टीसीएस लिमिटेड, जो आती है सेक्टर आईटी में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 7,75,036 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 2,296.20 रुपए, और जो लो है वो 1,784 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ 1 रुपए का। तो आप देख लेते हैं टीसीएस लिमिटेड का डिविडेंड हिस्ट्री। तो फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 में टीसीएस ने डिविडेंड दिया था 40.50 रुपए का, वहीं पे फाइनेंशियल 2016-2017 में इसने डिविडेंड दिया था 46.50 रुपए का, और 2017-2018 में इसने डिविडेंड दिया था 48.50 रुपए का, और 2018-2019 में इसने डिविडेंड दिया 41 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि इसका 40 रुपए या फिर उससे ऊपर का ही डिविडेंड रहा है पिछले 4 साल में। तो आप देख लेते हैं टीसीएस लिमिटेड की डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी। तो एक फाइनेंशियल ईयर में ये जनरली 4 बार डिविडेंड देती है, और वो होता है पहला डिविडेंड अप्रैल के महीने में, उसके बाद जून या जुलाई में, और उसके बाद अक्टूबर में, और फाइनली ये जो लास्ट डिविडेंड देती है फाइनेंशियल ईयर का वो होता है जनवरी में। तो अब देख लेते हैं डिविडेंड आपको कितना मिलने वाला फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। तो अभी 12 अप्रैल को कंपनी ने दिया था अपना पहला डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर का, जो था 18 रुपए का। इसके बाद नेक्स्ट डिविडेंड जो दिया था वो था 28 जून का, जो था 5 रुपए का, यानी 23 रुपए का टोटल अभी तक ये डिविडेंड दे चुकी है। उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्च 2020 तक आपको टीसीएस लिमिटेड से जो डिविडेंड मिल सकता है वो है लगभग 10 से 12 रुपए का। इस लिस्ट के नंबर 8 पे आती है ONGC लिमिटेड, जो आती है सेक्टर एनर्जी में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 1,68,073 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 185.40 रुपए, और जो लो है वो 115.55 रुपए, और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए का। तो आप देख लेते हैं ONGC का डिविडेंड का हिस्ट्री। तो फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 में ONGC ने डिविडेंड दिया था 5.75 रुपए का, वहीं पे 2016-2017 में इसने डिविडेंड दिया था 10 रुपए का, और 2017-2018 में इसने डिविडेंड दिया था 6.05 रुपए का, और 2018-2019 में इसने जो डिविडेंड दिया है वो है 7.60 रुपए का। तो इस तरह से इसने लगभग 6 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में दिया है डिविडेंड हर साल, काफी कंसिस्टेंट है ये। तो आप देख लेते हैं इसकी डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी।
तो एक साल में ये तीन बार देती है डिविडेंड, जो कि होता है मई या जून के महीने में पहला डिविडेंड, उसके बाद अक्टूबर के महीने में दूसरा डिविडेंड, और फिर फरवरी या मार्च में देती है अपना तीसरा और फाइनल डिविडेंड उस फाइनेंशियल ईयर का। अब देख लेते हैं ONGC लिमिटेड से आपको कितना मिल सकता है डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। तो अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने सिर्फ एक डिविडेंड दिया है जो आया था 30 मई 2019 को और जो था सिर्फ 75 पैसे का। और इसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है आपको इस फाइनेंशियल ईयर में इस डिविडेंड के अलावा कम से कम मार्च 2020 तक 5 से 7 रुपए का और डिविडेंड मिल जाना चाहिए ONGC लिमिटेड से। इस लिस्ट के नंबर 7 पे आती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो आती है सेक्टर मेटल में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 91,922 करोड़, यानी ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 309.45 रुपए, और जो लो है वो 193 रुपए, और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपए का। तो आप देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का डिविडेंड हिस्ट्री। तो फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 में इसने डिविडेंड दिया था 30 रुपए 30 पैसे का, वहीं पे 2016-2017 में इसने डिविडेंड दिया था 29 रुपए 40 पैसे का, और 2017-2018 में इसने डिविडेंड दिया था सिर्फ 8 रुपए का, और 2018-2019 में इसने डिविडेंड दिया था 26 रुपए का। ओवरऑल एक ठीक ठाक डिविडेंड कंपनी देती है, एक्सेप्ट अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2017-2018 में। तो आप देख लेते हैं इसके डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी। तो एक साल में ये 2 बार डिविडेंड देती है, और पहला डिविडेंड देती है अक्टूबर के महीने में, और दूसरा डिविडेंड देती है उस फाइनेंशियल ईयर के मार्च में। तो आप देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से कितना डिविडेंड आपको मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। तो कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि ये अक्टूबर और मार्च में देती है, तो वो इसका डिविडेंड ड्यू है। और इसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्च 2020 तक आपको 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का डिविडेंड पर शेयर मिल सकता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से। इस लिस्ट के नंबर 6 पे आती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो आती है सेक्टर NBFC में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो घट के हो चुका है सिर्फ 18,317 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी बन चुकी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो 1,140.45 रुपए, और जो लो है वो 378.85 रुपए। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपए का। तो आप देख लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की डिविडेंड हिस्ट्री। तो इसने फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 में दिया था 45 रुपए का डिविडेंड, वहीं पे 2016-2017 में इसने दिया था 27 रुपए का डिविडेंड, और 2017-2018 में इसने दिया 41 रुपए का डिविडेंड, और 2018-2019 में दिया इसने फिर से 40 रुपए का डिविडेंड। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी देती आई है। तो आप देख लेते हैं इसके डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी को। तो एक फाइनेंशियल ईयर में ये 4 बार देती है डिविडेंड, जो होता है पहला डिविडेंड अप्रैल में, उसके बाद जुलाई या अगस्त के महीने में देती है अपना दूसरा डिविडेंड, उसके बाद अक्टूबर में आता है इसका तीसरा डिविडेंड, और फिर जनवरी में ये देती है अपना चौथा और फाइनल डिविडेंड एक फाइनेंशियल ईयर का। देख लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से आपको कितना मिल सकता है डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। उसने ऑलरेडी अप्रैल में दिया हुआ है डिविडेंड 10 रुपए का, इसके अलावा इसने अगस्त में भी दे दिया है डिविडेंड 8 रुपए का, यानी कि अब तक कंपनी ने 18 रुपए का डिविडेंड दे दिया है। और इसके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि इसका जो अक्टूबर और मार्च का जो डिविडेंड होगा वो दोनों मिला के लगभग मार्च 2020 तक आप उम्मीद कर सकते हैं 20 से 22 रुपए डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से और भी मिलने की। लिस्ट के नंबर 5 से नंबर 1 तक के जो शेयर्स हैं उनको लेके आऊंगा मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो आएगा फ्राइडे 27 सितंबर 2019 को। मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है इस लिस्ट के बारे में, क्या आपको लगता है कि ये सारे स्टॉक्स मार्च 2020 तक उतना डिविडेंड दे पाएंगे जितना मैंने बताया, या फिर और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है अच्छा खासा डिविडेंड दे सकते हैं मार्च 2020 तक। तो आपकी जो भी राय हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप, पसंद आया तो प्लीज से लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।